आयरलैंड के खिलाफ आया दीपक हुड्डा और हार्दिक पांड्या का तूफान टीम इंडिया ने ऐसे जीता पहला T20 मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। भारत और आयरलैंड के बीच आज पहला T20 मुकाबला बेहद ही रोमांचक तरीके से खेला गया, जिसमें शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम इंडिया ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। तो दोस्तों, आप भी टीम इंडिया की शानदार जीत से खुश है तो कर दीजिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं पूरी हाईलाइट के आखिरकार किस प्रकार से दीपक हुड्डा और हार्दिक पांड्या की शानदार बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने इस मुकाबले को जीता है। तो दोस्तों पूरा हाईलाइट जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस मुकाबले की हाईलाइट। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला आयरलैंड के कप्तान ने, लेकिन गिरा हार्दिक पांड्या के पक्ष में और हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। लेकिन दोस्तों बारिश शुरू हो गई, जिसके चलते मुकाबला सिर्फ 12-12 ओवर का ही रखा गया और आयरलैंड की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे स्टर्लिंग और बेल ब्रायन। लेकिन दोस्तों दोनों बल्लेबाज टीम के लिए ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और टीम इंडिया को पहली सफलता पहले ओवर की 5वीं गेंद पर ही मिल गई, जब यहां पर बेल ब्रायन अपना खाता भी नहीं खोल पाए और भुवनेश्वर कुमार ने उन्हें बोल्ड करके पेवेलियन की राह दिखाई। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए डेनली ने स्टर्लिंग के साथ मिलकर पारी के स्कोर को आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन जब टीम का स्कोर 6 रन था तो दूसरा झटका पॉल स्टर्लिंग के रूप में गिरा। पॉल स्टर्लिंग को हार्दिक पांड्या ने पेवेलियन की राह दिखाई और दीपक हुड्डा ने बेहतरीन कैच पकड़ा। इसके बाद दोस्तों नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने उतरे हैरी टेक्टर, लेकिन दोस्तों उससे पहले यहां पर 22 रनों के स्कोर पर डेनली के रूप में तीसरा विकेट गंवा दिया आयरलैंड ने और टीम इंडिया की शानदार शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि आवेश खान, भुवनेश्वर कुमार और हार्दिक पांड्या तीनों गेंदबाजों ने एक एक सफलता दिला दी थी और आयरलैंड की टीम 3.5 ओवर में सिर्फ 22 रनों के स्कोर पर अपने 3 विकेट गंवा चुकी थी। लेकिन इसके बाद आयरलैंड के लिए हैरी टेक्टर और टक्कर ने काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करके टीम के स्कोर को 72 रनों तक पहुँचाया। लेकिन जब 8.4 ओवर में टीम का स्कोर 72 रन था तो यहाँ पर टक्कर को जुवेंद्र चहल ने पेवेलियन की राह दिखाई, लेकिन दोस्तों हैरी टेक्टर ने एक छोर से काफ़ी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और अंत तक बेहतरीन शॉट भी लगाए। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 33 गेंदों पर बेहतरीन 64 रनों की पारी खेली। इस पारी में 6 चौके और 3 छक्के शामिल थे। उनकी इस दमदार पारी के बदौलत यहाँ पर टीम ने निर्धारित 12 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 108 रन बनाए। टीम इंडिया की गेंदबाजी की हम बात करें तो टीम इंडिया की तरफ से भुवनेश्वर कुमार ने 3 ओवर में एक और मेडन डालते हुए 16 रन देकर एक सफलता प्राप्त की, तो हार्दिक पांड्या ने 2 ओवर में 26 रन देकर एक विकेट लिया, जबकि आवेश खान ने 2 ओवर में 22 रन देकर एक सफलता प्राप्त की। तो वहीं पर युजवेंद्र चहल ने 3 ओवर में 11 रन देकर एक विकेट लिया, जबकि पहला ही मुकाबला खेल रहे उमरान मलिक सिर्फ 1 ही ओवर डाला और 14 रन खर्च किए, जबकि अक्षर पटेल ने 12 रन खर्च किए। वहीं पर दोस्तों इस 109 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे दीपक हुड्डा और ईशान किशन। ऋतुराज गायकवाड़ के चोटिल होने के बाद दीपक हुड्डा पहली बार टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करने उतरे, तो वहीं पर ईशान किशन ने शुरुआत से ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और दोनों बल्लेबाजों ने 2.4 ओवर में ही 30 रन जोड़ दिए। लेकिन दोस्तों इसके बाद तूफानी बल्लेबाजी कर रहे ईशान किशन के रूप में टीम इंडिया को पहला झटका लगा। ईशान किशन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 11 गेंदों पर 26 रन बनाए। इस पारी में 3 चौके और 2 छक्के देखने को मिले। ईशान किशन को क्रेग योंग ने पेवेलियन की राह दिखाई। लेकिन दोस्तों इसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव अपना खाता भी नहीं खोल पाए और पहली ही गेंद पर युंग का शिकार बने और टीम इंडिया ने लगातार 2 गेंदों पर अपने 2 विकेट गंवा दिए ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव के रूप में। लेकिन दोस्तों इसके बाद नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने उतरे टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या और दीपक हुड्डा ने यहाँ पर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया और दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार अर्धशतकीय साझेदारी हुई। इस दौरान हार्दिक पांड्या और दीपक हुड्डा दोनों काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। हम बात करें हार्दिक पांड्या की तो उन्होंने मात्र 12 गेंदों का सामना करते हुए शानदार 24 रनों की पारी खेली। इस पारी में उनके बल्ले से 1 चौका और 3 बेहतरीन छक्के देखने को मिले, यानी कि हार्दिक पांड्या ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 200 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए और 3 बेहतरीन छक्के भी लगाए। वहीं पर दोस्तों अंत में हार्दिक पांड्या को जोश व लिटिल ने पेवेलियन की राह दिखाई। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद दीपक हुड्डा ने एक चोर संभाले रखा और शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 29 गेंदों पर 47 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे। तो वहीं पर दिनेश कार्तिक ने भी 4 गेंदों पर 5 रनों की पारी खेली और टीम इंडिया ने इस मुकाबले को 9.2 ओवर में ही
111 रन बनाकर जीत लिया 7 विकेट से। हम बात करें टीम इंडिया की तरफ से सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी दीपक हुड्डा की रही, जिन्होंने 47 रनों की शानदार पारी खेली और टीम इंडिया की जीत तय कर दी। तो दोस्तों, आपके हिसाब से आज के मुकाबले में टीम इंडिया की जीत का हीरो कौन है, आप हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।